ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है हुकूमत नाकाम हो चुकी, आवाम नए इंतखाबात की तैयारी करे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फौज को आगे कर दिया। आवाम और पाक फौज को कभी भी आमने सामने नहीं आना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। ये पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुटके हैं, ये डूब गई है। यही वजह है कि इन्होंने फौज को आगे धकेल दिया आवाम के सामने, पीटीआई के सामने। नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जो गलत इंटरप्रिटेशन आईन की थी और कानून की थी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की थी, जो हमारे फुल बेंच ने डिक्लेयर किया था, जजेस ने डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर फिल फोर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके चारों कमिश्नर्स मुस्ताफियों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए।